नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल इंडियन रेल दर्शन में। दोस्तों आइए आज आपको दिखाते हैं कि रेलवे फाटक पर चेक रेल क्या होता है और उसका कार्य क्या होता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे फाटक पर मेन लाइन के दो रेलों के अलावा एक एक रेल एडिशनल में लगा होता है, जिसका काम होता है रेल पटरियों पर चलने वाले गाड़ी के व्हील के फ्लैंज को पास करने के लिए। रेलवे ट्रैक एवं चेक रेल के बीच में लगभग 51 से 57 mm का गैप रखा जाता है। चेक रेल को स्लीपर में ब्रैकेट की सहायता से कसा जाता है। ब्रैकेट को स्क्रू द्वारा स्लीपर में जोड़ दिया जाता है। चेक रेल के बोल्ट को रेल लेवल से 38 mm नीचे रखा जाता है ताकि व्हील का फ्लैंज आराम से पास हो सके। चेक रेल को कसते समय यह सावधानी बरतनी चाहिए कि सबसे पहले सिरों के स्क्रू को कसा जाएगा, फिर बीच वाले स्क्रू को। जिन स्लीपरों पर ब्रैकेट प्रॉपर सेट नहीं हो पाता है उस स्लीपरों को जैक की मदद सरका करके ब्रैकेट को सेट कर दिया जाता है। आप लोगों ने रेलवे फाटक को पार करते हुए देखा होगा कि दोनों ट्रैक के बीच में रोड मटेरियल भरा रहता है, और यदि यह चेक रेल नहीं होता तो यह रोड मटेरियल ट्रैक के बिल्कुल चिपक जाता, और जब कोई गाड़ी पटरी पर से गुजरती तो गाड़ी के व्हील का फ्लैंज रोड मटेरियल से टकरा जाता, इससे कोई दुर्घटना हो सकती है, इसीलिए चेक रेल को लगाया जाता है। देखिए स्लीपर सरकाने का सबसे आसान तरीका, एक बड़े वाले 10 टन के जैक को दोनों स्लीपरों के बीच में फंसा करके चला देते हैं और स्लीपर आराम से सरक जाता है। यही प्रक्रिया दूसरे साइड के चेक रेल कसने में भी लगाया जाता है। सबसे पहले चेक रेल को कैंची की मदद से ट्रैक के बराबर में रख दिया जाता है, और चेक रेल के दोनों सिरों पर लगे हुए ब्रैकेट को स्क्रू की मदद से स्लीपर में जड़ दिया जाता है ताकि कोई गाड़ी आने पर भी गाड़ी के पहिए का फ्लैंज चेक रेल से न टकराए।
पूरा चेक रेल कस गया है और सर्विस रोड की मरम्मत करके गेट को ओपन कर दिया जाएगा। चेक रेल कसने के बाद हम एक दो गाड़ी निकाल करके चेक कर लेते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पूरा वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें एवं चैनल नया है चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।